इतने छोड़, मैं यह बात करे नहीं रहा। तो मैं यूं बता दो, जेल के भीतर थारा के गलू वाला काम है। पॉइंट पा, पॉइंट पे तो पहले आ रही हो, मन्ने तुम ला है तो जेल का भीतर के चल रहा है ना, कुछ ना आज ना। सुनो थानेदार साहब, सॉरी सॉरी, सुनो मैं इस पिटाई ने हो सके भूल जाऊं, पर जो जेल के भीतर है ना छोड़ूंगा नहीं, याद रख लो। राव हम किस नाम पुलिस में भर्ती करती रहे राव, तू आज राव अरे 20 में कह लिया मुझ राख ले, महिला पुलिस ला गया तू। जनाब या तो स्मार्टनेस की बात है, आप कटवा के देखो ना अच्छी लागोगे। अच्छा सुन, इन्हें बचा कर दल यार, जेल में बंद नहीं डाल रहा, भीतर लग रहे उतरे भीतर ले भाई के शक्ति ले आए। अरे सुनो मेरी बात, एक तो थोड़ा वर्पट लिख जाओ, एक तो पट लिख जाओ, और एक लड़का बंदा नहीं, इसके बारे में किसी ने बात कर दिया जब कल मुझे कहा ना जनाब है। हाँ ना जनाब, नहीं बताया थी आजकल पुलिस वाला क्यों उल्टे लग रहे हैं। हाँ जनाब, अकेला किस्टम का बड़ा जा रहा था मुझे समझे ना, अरे और क्या, तो इसने थोड़ा सावधान ठीक है जनाब। ये देख रहे हैं आप सभी, यही वो जगह है जहाँ एक निर्दोष है, तो चलिए आइए जानते हैं कि वो निर्दोष है, दोषी है, या ये कोई पुलिस की दादागिरी है, या है कोई पॉलिटिकल स्टंट। सर सर सर, यहाँ कोई निर्दोष है? सर यहाँ कोई निर्दोष है? और तो मैं सबका बड़ा निर्दोष हूँ। तो तू है ठीक मैडम, ऐसा हर बंदा पकड़ा था
खुल के बताओ जितनी आप जीकर है। आ जा भाई, आ जा। आइए आइए, आखिरकार हम उस निर्दोषी तक पहुंच गए हैं, अब हम सच का पता कर ही लेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अब खुल के बोलिए मीडिया से, मीडिया को बताइए जनता आपके साथ है। क्या बोलूं, क्या बोलूं, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट, रोम फर्स्ट डिवीजन। मेरे भी कुछ सपने थे, देश में देश के लिए कुछ करने का जुनून था, पर मिला क्या, जिल्लत, अपमान। आपको किस गर्व के तहत यहाँ सजा दी गई है? जुर्म, मेरा जुर्म यह है कि मैं देश के लिए सोचता हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैं झूठ के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मीडिया को खुलकर बताइए। आप खुलकर बोलिए। हमने बेरा नहीं किस प्रकार
करना एक नंबर के निकम में हो वो मानस हमने इतना कूटा छेत्या हरपा नहीं भरवाएगी क्या कहता हूँ थाने दारे आप इसे से नकम में भरा के क्या भरवा दे मतलब सारे की बात है नहीं हाँ तो हाँ नहीं हाँ हाँ फिर कोई डंका मानस हो तो भरवा इतना वो नंबर रोंग डायल हो रहा था मतलब मानस कोई सा था बदला बदली नहीं होगी हाँ हाँ फिर नहीं आप भरवा लिया तू अच्छा एक बार एक एक बार मैं बताता हूँ आपने किस्सा यू हाड़ा है मारे एक चोर था क्या चोरी के केस में अच्छा पर जनाब हमने उनके ऊपर सारी जितनी धारा दूरा ये जो एक्सपेरिमेंट से सारे कर लिए हाँ नहीं भरी अच्छा चोरी कर लिया वो बेरा हमने कबूल नहीं कर लिया अच्छा फिर आत्मा जोड़े जनाब देखो अच्छा मैं मेरी ग्राउंड देखो कितना बता दे चोरी करी हकना उसका भी फिर कालता के मंदर माया अच्छा नू बोलिया एक किलो तो लिया जलेबी मत तोड़ी अच्छा मोटली एक किलो दूध है जनाब जाए अच्छा खागा हमर ले बटे वाला ट्रीटमेंट दिया तरड़ा तरड़ा माफ करना के फिर आदमी खाली पी लिया निबला मन ने तुम ये जलेबी मंगवाई जाए दूध कही जाए मखा लिया खवाया मा खवाया बोला तुम इससे क्या मरवा लो सिचुएशन हो जाए काम था ना बेड़ा कर दिया तुमने तुमने बाहर आ गए सब बोल दू तुम अरे क्या सौदा था कौन रतन है मेरा बेटे भाई कितना दो कुची मारे निकलिया पुलिस थाना अरे सौदा क्या है असली होगा नकली और बता दियो अरे एक बात बताओ तुमने यो के टेडी बियर से बैठा रहे क्या है ये थाने के बारे में क्या विचार है भाई थाने के बारे में विचार बताऊं
थाना को रखेगा तो सही से ना तुमने खूब चलेगा। अरे भाई राजकुमार तू लठ मारा है ना, ये तो भाई साहब बाबा जी ने भी सीधा कर दिया। पर भाई मेरी एक दुख भरी कहानी है ना, उन्होंने बता पहला तो तू के फन बना रहा है, यो के चक्कर है या दुर्गा जी मैनेजमेंट भाई ये बात हो रही ऐसी, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार बहु भी आ गई जमा गंडा शेर की बेचारी घोड़ी कति जमा देसी का वन के बेटा देसी दे आकर तो मेरी माँ की माँ दिक्कत तो बन यार मेरी तो अच्छी। अरे अकॉर्डिंग टू वाइफ भाई तेरा मैनेजमेंट को देखते हुए तो तेरे को इंसार का डायरेक्टर लगा देना चाहिए। हेलो बता जी तो आदमी है बुद्धू, देखो ये राम खान भाई यही बात ना के अरे वहां के बीच में अगले घर का पागल मैनेजमेंट होना चाहिए। एक बात क्या कर रहे हैं आदमी है जनाब, एक बात बताऊं जी लोग आ यहां कहता है बद्दू है ऐसा है मेरा का मैनेजमेंट लगती भैया तुम सिखा दोगे मैनेजमेंट? हां सिखा दो क्या लेके आऊंगा जब हर तक हो नहीं चल रहा मैनेजमेंट अरे तो लेके था खराब हो गया लगा थोड़ा मवन कराना पड़ता किसी मत लग लग यारा क्यों बोल दे ब्रह्मचारी कर्मचारी अत्याचारी को पता है ना गिलास कटोरी भी रोक के धर ली हमारी में तारे थे कभी नजर से बेवड़े की मौका लगते बेच खाओगा बेईमान राजकुमार
टाइटल मिले है।
मारे लाके लगन जे लाजे अरे रुक डाब ठगा मेरी सास में मोड़ जा हां ले जा भाई तेरा ले रहा मजे साले मारा लगता मैं मारा काम में के इस समय के काम आ गया यार ये हैं लोग सब ना जाते के डांस देख का मारा दूध में जावा ना ना कोई निस्वाद की बात नहीं हैं सब यू के ठा जाए सब सो खराब कर दिया बना है हाय गाइस सब लोग जो ब्रो अरे ओ सुने तेरा तो जिक्र नहीं कर दिया भाई जो ब्रो नहीं तू रामलीला में तो नहीं भाग रहा ना जी रैप करता हूं जी मैं रैपर हूं तेरा मुझे सुना पहले के कह रहा तू जी रैपर हूं जी मैं रैपर हैं हैं रैपर हूं जी अंदर करो रैपर रैपर का नाम अरे म्यूजिक नहीं नहीं मैं रैप करता हूँ रैप वो बाता मैं बताया नहीं करे गाने गा के वो करता हूँ मैं बाता मैं गाने ये सब ना मेरा है बताओ जी मेरा ना अरे भाई ऐसा नहीं है एक रैप का गाना बजा कर दिखा फिर समझेगा सैंपल दे अभी बना दूंगा सुरालिख लल्ला ये जो आपने गाना सुनाया जो ये कहां बनवा के लाते हो यार खुद बनाते जी खुद बना ले ओ नया भी बना देगा अभी आप तो बना दूंगा जी सुना फिर सुना दो जी देखा तेरा कले सारे मेरे साथ गाओगे ये बोला अपने इरादे गले में से भूत यो यार बोले जाने मारी गन टूट यो 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 अपने इरादे गले में से भूत यो यार दुनिया जाने मारी गन टूट रोके न कोई टोके न कोई थानेदार की जय 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 थानेदार की जय। अच्छा नो बताओ तुम ये गंदे गाने क्यों बना हुए तुम गंदे गाने नहीं है जी जय पसंद करे दुनिया बता दो सब ने पसंद आ गया नहीं ऐसा है भाई मैं नाश कर दिया जनाब है इसे से गाने गवाए हैं छोटे छोटे बालकों का के सिखाओ एक काम करो इसकी रिकॉर्डिंग करके लाओ भी हां जी हां लेकर स्टूडियो अभी सब है दो लाख का माइक ला रखा है दो दो लाख का बढ़िया थाने का थाने स्टूडियो चलो हां देना यो इनका सामान भी लिया था एक मिनट थाने में रिकॉर्डिंग होती है हां तुम्हारे इसका मुंह देख जो गोप खाने कुत्ती ले स्टूडियो इवागा ना मैं नंबर प्लेट भी है इधर चल हां हां सुन ले लिखो यार देश का हो गया नाश ठीक है ना
लेकिन समझ आ रहा बड़े बड़कर का बात श्री रानी ना भूल गए, चंद्रशेखर ना भूल गए, यो यो ले से अरे के कन्यादान हाली के लाके का हूं Stolen my laptop. Simply write on my cancel. Are you okay, bhai? Write on my laptop, sir. Write on. Sir, anybody stolen my laptop? So write on my application, bhai. Understand or not? हाँ मतलब वो है. अरे साहब कर लो मतलब तू मतलब जा जनाब ओके ओके सर आई नीड टू स्टोल माय लैपटॉप राइट डाउन माय हां हां यस राइट डाउन सर ओ यस 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 फट माय लैपटॉप यस जवाब दे दे डंका इसका अंग्रेजी बोल रहा जवाब दे दे देने लग रहा यस सर यस अरे 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 आउट टू मीट योर सर आप पानी भी है और दरियो दरिया अरे इधर आ तू इधर पानी की का तव साहब कौन बड़ा ना फंस गया बता की बात थी सर आने पड़ी माइस्ट ऑन लैपटॉप सो प्लीज टच मी ओके to the headmaster as the school here. Sir, I'd like to say that I am ill today. I can't come to school today. So please, okay? क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझ आई तो समझा दे। ये सारे फुद्दूस हैं। इन्हें दोस्त का नाच कर रखा था। कैसी बोला? मैं खरीद का चुनविता करूँगा। अंग्रेज जनावे का बढ़ता है बोला आपको अंग्रेजी आती है कौन बोला जनाब एक बोलिया क्यों बताऊं बोला आपको अंग्रेजी आती है मैंने कहा यस तो बोला कितनी बता बस जनाब इंडियन डील हो रही क्या आपका लेकिन एक बात है मन्ना से भी इतना पूछा था हमने बाहुबली फिल्म देखी थी मन्ना से भी इतना पूछा था कि हमने बाहुबली फिल्म देखी थी के देखते रखी है आसली है हमने बाहुबली फिल्म देखी लेकिन जनाब हंसो यार मतलब मतलब जान की अमान पावा तो कुछ कहा तो पाजी ये बात थी हम वो बाहुबली देख के आए थे जनाब हमने भी देखी होगी भैया का पूछू था उसमें बाद में वो नहीं है वो दूसरा वो घोड़ा वो लेके आया है वो बलाल दे वो तरफ 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 हाँ उसमें वो सांड जुड़ रहा था हाँ उसमें दो सांड थे हाँ उसमें उसमें सांड लेफ्ट वाला सांड था ना हाँ उसकी शक्ल जमा ऊपर गिर सॉरी जनाब आपने भी देखी है जीवा ना मैंने नहीं देखी है एक लोग मैंने नहीं देखी असल में जिप्ती सांड आए जनाब आ जी एक काम करो जनाब राजकुमार जनाब साहब बोल हाँ आप बोले
अच्छा यार तड़के बोली थी पे नजर आपका जो हमें सॉरी है थानेदार साहब थानेदार साहब थानेदार दिखा क्यों तो किस्मत लड़ाई बजेगा मेरी बहू की चिंता भाई एक मिनट ना जब तेरा ब्याह होया थाने में कार्ड देना है फिर मेरे सारे बाज की तुम्हारे बटवा मेरी बहू की चिंता को ना और मेरे 20,000 रुपये भाई थाने के बाहर तारी नाक के नीचे बैठा से कौन है भाई वो पापा ओहो बाबा बाबे कंटिन्यू की मैं हंसना आवाज कर भाई बचपन में मान रहा है लड़की भाई हाँ दूध पी लेनी तो बाबा आ जाएगा वो बाबा ही पकड़े गए इनके घर अरे ले ये उठा के कोड़े ले आओ देखा कर लुगा रसा ने आजमा थाने के सामने देता है अरे पागल लोग है ना बताई नहीं जनाब ने बड़े और किस अरे इसमें बैठ जाएंगे अरे वो मान गया अरे मेरी खुद की बाजरी है मैं क्यों बजाऊंगा किसी की अरे बात छोड़ हाँ 20,000 के लेकर वो बजा देना उपचार कर रहा तुम काम कर हाँ 20,000 रुपये जय मैं 40 दूंगा मेरे दोनों खड़े धर्म की बुलवा ले बीस में काम साल जाएगा अरे इसके बाद आओ पंडित जी आपके श्याम चलो आओ अच्छा कुछ शास्त्रार्थ करा कुछ आपको ज्ञान ध्यूम जानो हाँ इतना मोटा है अच्छा हाँ। नहीं इस भाई का देखे कि मैं बताऊ ज्ञान भी ऑक्सफोर्ड का है ओह ओह ये बात ओह और रर रर रे तेरी जगह काटा पुणे सेंटर में है बड़ा नाटककार मत बना सेंटर सेंटर अरे वो सेंटर है तू सेंटर में लेना पड़ेगा हमने एक मिनट फटाफट बता मेरे तरफ जुगाड़ है सेंटर में ना ले सकते ज्यादा फुटेज हाँ खाना ये भाई केले रहे इस तरह फेल का भी कुछ ना बिगड़ता तुम तो मेरा के बिगाड़ोगी हाँ सेंटर में जगह है कोई और है यार जगह अरे मेरे तो पूरे पार्ट दे पहले और है कोई जिसा मुंह सा हाथ जैसे हाँ इतना कुछ आना होगा मेरा हाथ देखो ना तेरा तेरा भी करो ना क्या मैं यहाँ पे मैं भी देखा हूँ हाँ देखो एक बार ले देखियो कुछ सी ओह ओह क्या बात है कुछ सी ओह तेरी तो सुनी की दिशा बिगड़नी से बेटा क्या बात कर रहे हो पंडित जी अरे ला
तेरा उपचार कर दूंगा 20,000 रुपए लगेंगे। 20,000 है? हाँ 20,000 तक हो गया पंडित जी। आधा कर दूंगा 10,000 दे दिए। 10,000 भी को नहीं पंडित जी। सवाए कर दूंगा 5,000 दे दिए। 5,000 भी को नहीं। नामदान कर दूंगा 1,100 दे दिए। पंडित जी सही बात बताऊं? हाँ 1,100 भी को नहीं। 51 रुपए मेरे नाम के दे देगा पंडित जी। 51 भी को नहीं। फिर तेरा सनी के बिगाड़ेगा। हो रहा ना पंडित जी? हाँ पंडित जी ने सेंटर में ले। हाँ, हाँ, मतलब वो का पंच मार है, इसका मुंह देख जरूर, वो डाकू मारा कुत्ता है। और इसका यू देख सिस्टम है, जो मूली पड़ जाए पत्ते टूट रहे। पंडित जी को गाना गुना गाना आवे? हाँ है हाँ। सुना तो बढ़िया गाना। थोड़ा दूर हो जाए, टावर नहीं आ रही। तुझे सुबह तक करूं प्यार। मारा प्यार तो तरफ दो मिनट को नहीं उठे। अरे बटे इसका उल्लिया देख दो, सुदान का बालू है। एक बात सुन, नाटक में मेरी इतनी एंट्री थी, तुम फालतू के डायलॉग मारो मेरे साथ। नींबू मिर्च जान दिखाई, जब नींबू मिर्च पे रफाल की रक्षा हो सके तो पंडित की भी हो सके। ये दिन बच की बात है। ये काम कर लो, आप भी आप तो छोड़ दो, ताकि तू के वहां आ गया मेरे घर। आ गया कौन? आ गया के काकी का आगे। हेलो पटना जी, पटना जी आप तो थाने में को ना, मैं पास ससुराट जा रहे हैं सर, ससुराट जा रहे सर, थाना भंजना में झोट के बल्ला मुल्तान जी कमाल कर रहे हो। ये मेरे साढ़े बालक देख के लड़े प्रधान जी ने सोचा थोड़ा टेंशन सी हो रही, मैं थोड़ा मजाक कर लिया। और प्रधान जी ठीक ठाक हो? ठीक हो इंस्पेक्टर, शर्म तो सबकी नहीं आती। देखो प्रधान जी, हमने बालक समझा लिया, ठीक कर दिया, बालक खंड समझा दे, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ यार, इतना बढ़िया खाना मैंने तुम्हें किसी खिलाया? कोई नहीं जी, करते रहे ना, अमृत पाल कर रहा है। नहीं नहीं, इतनी हराम की तुम यहाँ खा रहे हो? अरे प्रधान जी ऐसा मत करो, एक छोटा सा काम आज तक तुमसे नहीं हुआ, क्या चाहते हो आप? समझा दे, बालक है छोटा, बालक क्यों खाऊंगा? मैं तेरे कोई नहीं समझा पाया आज तक, क्या समझा दे, कोई बात नहीं। देखो नौजवान है, समझ जा रहा, कोई बात देखो सुनो, मेरे से ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। क्या ना करेंगे सर, हमारा क्या जरूरत है होशियारी करने की, सरकारी नौकर है हम तो, क्यों करेंगे? ऐसी जगह बदली करवाऊंगा तुम्हारे पुरखे भी याद रखे। ऐसा है जी, धमकाए नहीं करते। अरे कुरड़िया में घेर दूंगा, कुरड़िया में। देखो ये वो तो आपकी मर्जी है, कुरड़िया में घेर कर रहूंगा तो मैं थानेदार कुरड़िया में। मैं बहुत बड़ी ऑफर लेकर आया हूँ तेरे लिए। ये भाई ये देखो, इसमें इतने पैसे हैं और एक ब्लैंक चेक है। प्रधान जी सुनो मेरी बात पहले, अगले 3 पीढ़ियों तक तुम्हें काम करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं देखो सुनो, जब पीढ़ी बनाओगे तो काम करके भी खा लेंगे, कोई सी बात ठीक है ना? ठीक है ना, नहीं करना काम ऐसे काम। देखो देखो सुनो प्रधान जी, हर बाजार में हर चीज पे थोड़ी लिखा हुआ है फॉर सेल, अगर नॉट फॉर सेल भी होनी चाहिए। ऐसा है, ऐसे ईमानदार मैंने बहुत देखे हैं। कोई बात, हम समझा देंगे बालक को। प्रधान जी क्यों टेंशन कर रहे हैं? और मैं भी जरा बात कर रहा हूँ प्रधान जी, आपको समझ लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान कर, आपने बेरा है खुश हूँ, मंत्री जी का पीएस हूँ, बर्बाद कर दूंगा नहीं तो मंत्री जी का काम करते हो। अच्छा पूरा बात जनाब छोड़ने।
नहीं देख बाप सुन, हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, हमने भी रहा है कि बाल को बड़ा करने का कितना हंगामा है, ठीक है ना? अरे तो तेरे घर के किस्मत खराब है यार, तेरे लायक बालक ना रहे, छोड़ यार इस चक्कर में, तू काम कर, पढ़ ले कपड़ा, क्यों जो तू करने जा रहा है ना, तू आड़ पे हम आंसू जाते हैं तेरे और कितने फंसे हैं, और मारी भी नौकरी लिए बैठा गई तो हम बाई चांस तुम्हारा जाने बन तेरे प्रति थोड़ी दया भाव रखना, लेकिन कितने और जाओ तो खत्म भी कर दे, समझ गया ना? समझा नहीं जी, तू नहीं समझ सकता, जिस कीचड़ ने मिटाल चलिया है उसका लायक तेरा हाथ में कपड़ा दे। इंसान हम भी सोचा अच्छा था, तेरी के जिद है यार, आंधी का एक पत्ता ही क्यों का मान जा भाई, तेरे अंदर हो सके मैं अपने बेटे ने देखता, मारा भी घर परिवार है, तेरे घर जुलम करके हम राम ने मुर्गी खा सकते, अरे मान जा, बात तेरी ठीक है पर कौन फोटो लावा भगत सिंह की अपने घर, तो जिस बाजार में खड़ा होना तेरी ईमानदारी पाया कला रोंद का लोग बेईमानी खरीदे, शहीद बड़े चले तुम्हें, राजकुमार यार तो ना सीन मत बिगाड़ा कर यार, कितना सीरियस सीन चल रहा था है, तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी सीरियसनेस की, फिर भी था यार क्या बोल रहे, वैसे जनाब आप भी कदे और होने तुम बजवा दे, एक बात सुनो भाई, एक काम कर, एक तो चाह मंगाई दे, बहुत हो गया ना, बहुत सच्चे लिया अदरक गिरवा के जल्दी लेकर आओ, अरे लेकर आइए मैं खा लिया जाओ, मेरा ने देख लिया मुंशी, बैठो रे तुम, बैठ, वो सारी इलेक्शन मोड पर आ रहे हो, लियो जनाब बैठ, एक मिनट में बना दूंगा सिंगम में, समझ गया, मैं भी बैठ जाऊं जनाब, हाँ बैठ जा, चौथ करके बैठेगा और बड़े काम कर लिया था, काम करते नहीं हो सारा दिन बैठ से जरा दिन में दारू पीने की किसने की ड्यूटी पे हमने कपड़े पीना किया, उन्होंने घर पूरी बात बता के है, दारू पीना गाड़ी ठोक दी, हर कदम पर हर नहीं बेचती दम उठने लग गया, जमा कमाल हो गया, जिस थाने में इंस्पेक्टर कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, मुझे था इफेक्ट इफेक्ट, जिस थाना में इंस्पेक्टर कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, अच्छा दिखता
जिस थाने में इंस्पेक्टर कर्ण सिंह वर्गा होनहार इंस्पेक्टर हो, जिसके नाम से बड़े बड़े मुजरिम छत्तर छत्तर कांपते हो, बड़े बड़े हाथों का जगह पिंडी कांपते हो, और एक इंडिया केक छत्तर खोली तरह करण सिंह वर्गा बात नहीं नहीं मेरे ख्याल थोरी तू मन्ना नहीं जानती ना जानती भाई सिखाओ असल में पता क्या भाई मां बाप ने पीछे कमाते खुशी थी मैडम भी नौकरी पर साहब ठीक है ना कंप्यूटर पे प्यार रहा नेट पे शादी हुई और ऑनलाइन डाइवोर्स हो गया है और ये मेरे साले नूरा जी एक बार बार का कंप्यूटर का कोर्स हो गया चक्कर है यार सारा काम हमने संभालना पड़ा है ठीक है सारे जिस थाना से डालेगा जनाब आप बम भी चले जाओ बढ़िया लिखो वैसे जनाब कसूती ज्ञान की बात कह दिया आप तो उम्मीद नहीं थी इतनी उम्मीद नहीं थी ना मतलब उम्मीद तो धरते थी अपने चाह पाओगे तुम फिर आ जाए और सुने उरा इब कहीं इतनी ताती मत ले ये जो इब जाए खाता चाला मेरा नाम दे दिया मैं स्वाद नहीं पुलिस की नौकरी
एक बात बताऊं, हम तो स्वाद ले रहे हो है ना, पर मारा तो दिन इधर बढ़ेगा काम लिया रहे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है जनाब, वो तो रूटीन में चलता है काम, इसमें ऐसा स्वाद का क्या मतलब है इसमें ना भाई, कदे तो पॉलिटिशियन कदे ये छोरी दारू पी का जाए। नहीं फिर देखो थाना तो जगह ऐसी होगी जनाब, हर एक आदमी की मानता है। अरिया अरे तो बिना दूध के लिए आए भाई जी, आज मेरा दिन है उल्टा, कद यो भी मैं कह देव हिम्मत मत हारो, आप हिम्मत ना हारो, हम पाछे ना खड़े हो, तो पाछा पाछा खींच के ये नाम भाई जरा, अरे दूर कहा पता बाबू, हम तो बिहार से हैं। ओके ओके यो बिहार से इतना तो मैं नाम बतावा जरा। अच्छा सुनो भाई, तेरा नाम क्या है? कहा पता बाबूजी, हम तो बिहार से हैं। अच्छा तेरे बाप का नाम क्या है? अब कहा पता बाबूजी, हम तो बिहार से हैं। मैं के काम करा कर जी कोई, कहा पता बाबूजी, हम तो बिहार से हैं। हाथ काले सुल्फा बेचता है, रिक्शा की चैन चढ़ा रहे बाबू जी। Yeah.
चल रे थाने का भी भाई ड्यूटी जवान सुबह से शाम हुई। सुबह इस थाने में आने के बाद इन लोगों को देखने के बाद मुझे कुछ नई चीजें सीखने को मिली। सबसे ज्यादा मैंने ये सोचा कि जिस तरह के दुश्मनों का सामना हम करते हैं वो खुले मैदान में आमने सामने होता है, लेकिन इन लोगों के जो दुश्मन हैं वो कहीं बहुत गहरे से छुपे दुश्मन होते हैं, उनकी पहचान करना कोई आसान बात नहीं होती। नाटक का क्लाइमेक्स बाकी है, कृपया बैठिए। में कोशिश की थी ये ना कर पाऊंगा सेवा की। और कैसे हैं आप? थाने का हाल देखा मैंने, आपकी वर्दी का भी काफी बुरा हाल है। हाँ ठीक है तो सर, लेकिन फर्क है, आपकी वर्दी और हमारी वर्दी में फर्क है। जैसे कि आप सरहद पर लड़ते हैं मेजर साहब, और हम तो रोज खुद से लड़ते हैं। शायद यही फर्क है हमारी वर्दियों का। एक फर्क और है, हमारी वर्दी को दूर से देखकर लोग सैल्यूट करते हैं, एक जज्बा दिखाते हैं। आपकी वर्दी को देखकर पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते वाले मामा और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये बेसिक फर्क है अपने और हमारी वर्दी में। People don't respect you. They hardly trust you. Why? बोलिए। फर्क तो है। इस लाश को देखकर सारी दुनिया नाक सिकोड़ के चली जाती है। मेरा पुलिस का जवान नहर में घुस के सड़ी हुई लाश को लेके आता है। फर्क तो है। ऑफिसर लावारिस लाशों को शमशान घाट में फूंक के धर्म कहते हैं, जहां लोग सांस नहीं ले सकते। मेरे पुलिस स्टेशन का जवान सारी रात वहां बैठे चौराहे पर खड़ा, ट्रैफिक हवलदार जब स्कूल की बस देखता है ना ऑफिसर, शायद उसका भी मन करता होगा कि मैं अपने बेटे को स्कूल से लेके आऊं। आपकी ड्यूटी डिफाइंड है सर, आपके सामने दुश्मन है, आपको उसमें गोली चलानी। कई बार तो हमें अपने को मारना पड़ता है, हमारे सामने अपने ही बच्चे खड़े होते हैं, हमारे गोली चलाने का हुक्म होता है। आप तो पोस्ट में ड्यूटी करते हैं ना साहब, पर हम पुलिस वाले तो घर बाहर वीआईपी ड्यूटी चौक चौराहा 1 2 3 4 5 6 7 24 घंटे बंद रहते हो। कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता साहब, इमरजेंसी है, वीआईपी पासिंग है, सब कुछ है, लेकिन घर नहीं है। हाँ हमें लोग नामों से बुलाते हैं, हम चौराहे पर खड़े होते हैं तो लोग 100 मीटर दूर खड़े होकर कहते रुक जाओ, कागज नहीं आगे ठुले खड़े। कोई पूछे तो उनसे खोट तुम में और हरामी हम।
बड़ा मुश्किल है साहब, बाय द चॉइस हमने ये वर्दी पहनी, लगा के पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा करेंगे सोसाइटी के लिए कुछ। अनपढ़ों जैसा बिहेव करना पड़ता साहब, आप 5 दिन पुलिस स्टेशन में रहोगे साहब, इस वर्दी के कांटे आपको पता लगेंगे। हर कोई हमें बिकाऊ माल समझते हैं, आसान बहुत है दूसरे को क्रिटिसाइज करना, लेकिन लोग भूल ही जाते हैं कि हम भी तो उन्हीं के परिवारों के लोग हैं। हमें हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, आप इसलिए अच्छे हैं मेजर साहब कि आपके सामने देश के दुश्मन होते हैं, हमारे सामने अपने ही घरों के, अपने ही आसपास के लोग। एक बार तो ये चुभने लगती है। अब सारा दिन से यहां है ना, आप हमारी चुभन नहीं समझ सकते, हमारी तकलीफें नहीं समझ सकते। इंस्पेक्टर, तुमने अभी तक वो काम नहीं किया है। आज गलत टाइम पर आ गया प्रधान। सुनो इंस्पेक्टर, नहीं आना चाहिए था। मैं जहां जाता हूं सही समय पर जाता हूं। ऐसा है, मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसे न जाने कितने कुत्ते मेरी कोठी के बाहर सुबह आके मेरा थूक चाटते हैं, जिसे मैं थूक काऊं। जिसकी किस्मत में जो चाटना होगा वही चाटेगा। हाँ, और इस उंगली को पीछे करो। उंगली, ये उंगली तुम्हें दिखा नहीं रहा हूं, ये उंगली तुम्हें बता रही है। अच्छा, आप यहां से जाओ प्लीज, आज ठीक नहीं है मामला, अब जाओ। ठीक ठीक वो होता है जो हम चाहते हैं, ठीक वो होता है जो हम करते हैं। मैं कह रहा हूं ठीक वो होता है जो हमारे हाथ में होता है। मैं इंस्पेक्टर, बहुत हो गया है, बहुत हो गया। देखो सुनो, ये इनसे मत दिखाओ, क्या फायदा क्या है। और इस जरूरी थोड़ी कि हर वर्दी के यहां लिखा हो कि अरे ये वर्दियां मैंने खरीदी है, ये वर्दियां मैंने बिकती देखी। आप बस खराब, शराब शराब इंस्पेक्टर, शराब 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 रुक जाए, शराब मैं देता हूं, मैं अपने हाथ से करूंगा उसको, मैं करूंगा सब। प्रधान मार दिया मैंने। मार दिया एक ऐसे इंसान को जो खुद अपने बेटे की बलि लेना चाहता है। राजनीति का मुंह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इस वर्दी को थूक सके। मार दिया मैंने इसको। और बता दिया इस कमीने को, आई एम नॉट फॉर सेल, आई एम नॉट फॉर सेल।
आज एक वर्दी दूसरे वर्दी को कुछ कहना चाहती है, देखिए। अगर वर्दी अपनी जो शौर्य या अनुभूति समझ लेगी तो फिर राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के कदमों में तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी, तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी, तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी।